हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम हो चुका है 1:30 का और अभी से हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी, ज़रूर बताइएगा। आज इतनी लेट व्लॉग शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मैं उठी हूँ 11 बजे, मतलब सुबह उठ गई थी। लड्डू सुबह में 3 से 4 बजे ही सोया था। सुबह 6 बजे उठे, फिर जागे, फिर मैं सोई 10 बजे, फिर 11 बजे फिर उठ गई। और अभी हमारा लंच वंच पूरा रेडी हो चुका है, यानी आज जल्दी आ गए हैं। तो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। और मेरे को अभी भी नींद आ रही है, देखते हैं लंच करके फिर सोएंगे। क्या होने वाला आज पूरा दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने आज बनाया है, क्या बनाया है, दाल की सब्जी साथ में दही। गाइस, चाहे आप दिन में कितना भी सो लें, लेकिन अगर आपको आपकी नींद रात को पूरी ना हुई हो ना, तो आप पूरा दिन नींद में रहते। मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है, मेरी रात को नींद पूरी हो जाए तो मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ। लेकिन अगर मेरी रात को नींद पूरी ना हो, चाहे मैं सारा दिन सो लूँ लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं होती है, तो अब मेरे को अभी भी नींद जैसा हो रहा है। लेकिन अब मैं उठ गई हूँ। वैसे मैं सुबह भी एक ही घंटा सोई थी बस, 10 से 11, और अभी भी एक दो घंटा ही सोई हूँ। और जो 7-8 घंटे की नींद होती है, और कहाँ एक दो घंटे की नींद, तो वही है। चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर रहे हैं। तो आज दूध नहीं लेकर आए हैं, इसलिए दूध में गुड़ भी नहीं डाला और मखाने भी नहीं है, सिर्फ बिस्किट और दूध लेकर आ गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है। तो अभी इंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, अनीश जा चुके हैं क्लिनिक के लिए। उन्होंने मेरे को लगाया D3 का इंजेक्शन, और D3 के इंजेक्शन में थोड़ा सा बाकी जो इंजेक्शन होते हैं उनसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो और ज़्यादा पेन होता है। तो फाइनली मैंने लगवा लिया है, आने के बाद B12 वाला भी लगवाएंगे। और आज हमने एक नई चीज़ किया, देखो ये वाली जाली बालकनी में, क्योंकि आपको बताइए हमारे यहाँ पर बार बार जो ना गाइस, जैसे तो हम ब्लॉग का एंड कर चुके थे, लेकिन CBC KFC यही सब चलता रहता हमारे घर में। तो गाइस देखो, अनिल लेकर आए लड्डू के लिए टीथर। जैसा कि आप लोगों को पता ही, आजकल वो अपने जो उंगलियां होती है ना, उनको चबाता रहता है सारा टाइम, क्योंकि उसके दांत निकलने वाले हैं। तो अनिल लेकर आए हैं उसके लिए ये टीथर। अब इसको बॉईल करते हैं, उसके बाद लड्डू को देते हैं। साथ में उसके जो पहले वाले टॉयज थे ना, वो उनसे खेलता नहीं है। जैसे हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, बहुत कई जो कोई चीज़ हम बार बार देख, यार विटामिन डी बस बार बार, अब वही खिलौने वो खेलता नहीं है उनसे, उसको नया नया कुछ चाहिए। तो आज ये टॉयज भी मंगवाए हैं, ये इस तरीके के, तो दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये ऐसे बच भी रहे, तो बाहर काफ़ी अच्छे लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने टीथर स्पेशली मंगाया था, क्योंकि वो जो भी चीज़ उसको मिलती है वो मुँह में डालता, तो ये कम से कम बॉइल करके इसको देंगे तो वो अच्छे से इससे खेल भी पाएगा, और कलर्स भी हैं। तो अभी हमारा जो वो है डिनर बन चुका है। वैसे मैं ब्लॉग एंड कर चुकी थी, शायद मैंने क्लिप ऐड नहीं किया है। और मैंने जैसा हमने दिन में घिया दाल बनाई थी, तो वो थोड़ी सी रखी थी, अभी थोड़ी सी आलू की ड्राई वाली सब्जी बनाई है। आज मैंने थोड़ा सा चावल भी बनाया है, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं ना चावल की इतनी एडिक्ट हूँ, मुझे हर दिन चावल चाहिए। वैसे तो हरियाणा साइड वाले लोग चावल उतना नहीं खाते हैं, लेकिन भाई मुझे चावल बहुत पसंद है, मुझे हर दिन चावल चाहिए। अभी मैं एक वीक से चावल बिल्कुल अवॉइड कर रही थी, बिकॉज मैं डाइटिंग पे थी, और जो डाइटिंग पे रहता है उसे चावल नहीं खाने होते। फिर भी आज मैंने अपने आप को कंट्रोल करके, मेरी जो वो सीमा होती है ना, वो टूट चुकी है। तो आज मैंने चावल बना लिए, थोड़े से लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। अब मैं ऐसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे भी नहीं हूँ कि मुझे कुछ नहीं खाना, भाई मुझे कोई शो में नहीं जाना है या बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मुझे सारी चीज़ें, मुझे अपना फैट लॉस और वेट लॉस करना है, जो कि नॉर्मली हो रहा है। मुझे लग रहा है जीरो वाटर से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मुझे खुद को फील हो रहा है। बाकी एक मंथ बाद तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाली हूँ। तो खाना बन चुका है, रोटी भी बनाई, क्योंकि अनिल तो रोटी ही खाते हैं, चावल उतना ज़्यादा खाते नहीं है। तो चलो डिनर करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, लड्डू से मिलवा देती हूँ। आज पूरे ब्लॉग में आपने लड्डू को नहीं देखा है, ये लड्डू। हेलो लड्डू, लड्डू आजकल टमी टाइम ले रहा है, जैसे कि इसकी जो नेक वाली जो बोन्स है वो स्ट्रांग हो रही है, और जल्दी ये बैठना भी सीख जाएगा, आगे खिसकना हमारे आगे, टेबू डलिया चलना भी सीख जाएगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस, रात का टाइम हो चुका है, 10:40 हो चुके हैं, हमारा सारा काम हो चुका है, डिनर भी हो चुका है, मैंने फेस वॉश किया है अभी, और हेयर पे सीरम अप्लाई किया है, किचन पूरी क्लीन हो गई है, क्योंकि कल है, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं हमारे यहाँ का, नागत बोलते हैं भाई, तो इसलिए मैंने पूरी किचन को रेडी कर दिया है सुबह के लिए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अभी मेरे को B12 का इंजेक्शन भी लगवाना है, दूध पियेंगे, और लड्डू सो गया था अभी उठा है, तो इसको हमारी पूरी रात ख़राब करनी है। तो मेरा तो यही रहने वाला है, आप
इंजॉय कीजिएगा व्लॉग को, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स टू ऑल कि मेरे 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखें और जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। तो थैंक यू सो मच। एंड कल मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के बाय बाय।